हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दिया हुआ है अ वेसल फुल ऑफ वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? एक इन्वर्टेड कोन दिया हुआ है और इसका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और ये फुल ऑफ वाटर दिया हुआ है। 100 स्फेरिकल लीड बॉल्स आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। इसमें 100 लीड बॉल्स डाले गए। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट ऑफ द वेसल। तो ऐसा करने से, ऐसे 100 बॉल्स इसमें डालने से क्या हुआ? 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट ऑफ द वेसल। 1/4 पानी बाहर आ गया। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉल। हमें क्या, इस स्फेरिकल बॉल का रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कॉनिकल वेसल। तो कोन के लिए हो गया 1/3 πr²h। तो 1/3 πr² 5 × 5 और हाइट हो गया 8, कटेगा नहीं, 5 × 5 = 25, 25 × 8 = 200 πr³ cm³। ठीक है, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कॉनिकल वेसल। इस कॉनिकल वेसल में टोटल इतना पानी है, 1/4 पानी क्या हुआ, बाहर आ गया। लीड बॉल्स डालने से इसमें 1/4 वाटर बाहर आ जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ 1/4 वाटर, चाहे वॉल्यूम ऑफ 1/4 वाटर इन कॉनिकल वेसल, तो ये पूरे कोन का ये वॉल्यूम है। तो 1/4 वॉल्यूम क्या होगा, तो 1/4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 × 200 πr³। तो 4 से कट गया ये 50 बार में, तो आ गया 50 πr³ cm³। यानी 100 लीड बॉल्स डालने से इतना पानी बाहर आ गया। यानी ये जो इतना पानी बाहर आ गया, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ 100 लीड बॉल्स। क्योंकि 100 लीड बॉल्स की वजह से इतना पानी बाहर आया, तो ये किसका वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 100 लीड बॉल्स। यानी वॉल्यूम ऑफ 100 लीड बॉल्स इक्वल टू 50 πr³। ठीक है, और 100 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लीड बॉल क्या हो जाएगा, 4/3 πr³। तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आ गया क्या, वॉल्यूम ऑफ 100 लीड बॉल्स, और ये किसके बराबर है, 50 πr³। तो पाई कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, और ये हो गया 100 × 4 400 πr³ = 50 πr³। दोनों ही साइड में डिनोमिनेटर में 3 है, तो 3 भी कैंसिल हो गया, r³ का वैल्यू हो जाएगा 50 और ये 400 उठ के इधर नीचे आ जाएगा, 0 कट गया, 5 से कट गया ये 8 बार में, तो r³ का वैल्यू हो गया 1/8। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं r³ = 1/2³। तो r का वैल्यू आ गया 1/2, यानी रेडियस इक्वल टू 0.5 cm। तो ये जो लीड बॉल होगा, उस लीड बॉल का रेडियस क्या हो जाएगा, 0.5 cm। यही हमें कैलकुलेट करना था, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉल। ठीक है, तो रेडियस आ गया 0.5 cm। अगर वीडियो समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।